कि जो मेहनत थी उनको भी एक देखने बनते हैं। हमारे साथ देवेंद्र यादव हैं जिन्होंने पूरी भारत जोड़ो यात्रा में कंधे से कंधे लगाकर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए एक सिपाही की तरह राहुल गांधी के चले हैं। उनसे बातचीत आज का पल कैसे देखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ जितना भी कवर किया है आगे जाते थे, पीछे भी भागते थे, फिर आगे जाते थे। मुझे लगता है अगर 15 किलोमीटर चलना होता था तो देवेंद्र यादव उसमें 30 किलोमीटर चलते थे, क्योंकि आगे भी जा रहे फिर पीछे जाते थे। नहीं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमको एनर्जी का इतना सोर्स हमारे लीडर से मिलता है, और वो जितनी मेहनत कर रहे थे तो ऐसा हमें लगता था कि हम लोग उस मेहनत में हम लोगों का भी पार्टिसिपेशन रहे, हम भी मेहनत करें, इसलिए हम लोगों ने किया। निश्चित रूप से आज का दिन खुशी का भी है और थोड़ा सा मन में एक बात भी लग रही है कि यात्रा ख़त्म हुई, सभी लोगों से परिवार जैसी रिश्ते बन गए थे। हम लोग सुबह से उठ के रात तक काम करते थे, ये जो काम करने का मौका था अब ऐसा लगता है चलिए आज यात्रा ये ख़त्म हुई तो अब इसमें थोड़ा सा सुस्ती आ जाएगी जीवन में, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत कुछ जाना, भारत को जाना, और निश्चित रूप से ये जो